What's up, squad? Good morning from Hanle. आवाज थोड़ी बैठ गई है, ठंड बहुत ज्यादा है. तो लास्ट लॉग मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बताऊंगी कि हम लोग हानले पहुंच के क्या किए. बाय द वे, वेलकम टू माय कमरा. ये पूरा कमरा मेरा है. इसको अटैच्ड बाथरूम जो कि बहुत सही है. एंड इतनी ठंड में नहा लिया मैंने. बाहर निकलते ही ये नजारे. Hey, what's up, squad RGV? This is Tumchu Vishaka from Amchi Mumbai. Welcome back to my YouTube channel, Ride a Girl Vishaka. Well, squad, ये तो था बहुत normal वाला intro. अब करते हैं hashtag tripling Ladakh का तड़का वाला intro. Hey, what's up, squad RGV? This is Tumchu Vishaka from Amchi Mumbai. Welcome back to my YouTube channel, Ride a Girl Vishaka. Day 7 with my boys. मतलब अभी boys कितने हो गए बता? 1, 2, 3, 4, 5. जय माता दी. जय. जय वुमेन पावर की बोला चाहिए. बाय द वे गाइस, हाउ वाज योर नाइट? ठंडी नाइट थी? नो ब्रो, बिकॉज़ जहां पर मैं थी ना, मेरा जो रूम था वो बहुत अच्छा था. इनका था वुड का. मैं थोड़ा किस्सा बता दूं आपके पास, थोड़ा सा मुझे बोलने देंगे. एडिट में संभाल तो नहीं लोगे? नहीं. अब लो, अब जी. नमस्कार, वेलकम टू माय व्लॉग. नमस्कार. बोलिए. पहला लेयर था ये थर्मल का, ठीक है. दूसरा लेयर था ये टी शर्ट का, फिर एक कम्बल. नहीं, कंबल हमने नीचे बिछाया था. कंबल नीचे गंगानगर वाला स्टाइल लगाया था हमने. फिर उसके ऊपर रजाई, मोटी रजाई, फिर उसके ऊपर और एक रजाई, और उसके बाद भी ठंड लग रही है. उसके बाद मैं उसके बाद ये इसका पैर मेरे पैर के ऊपर. हाँ. गलत ना समझे. तो ये था ठंड से परिचय. और अभी धूप थोड़ा निकल गया तो अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ, लेकिन सुबह सुबह बहुत हालत खराब हो गई थी. लगभग सुबह 4 बजे करीब हमारे कैप्टन साहब कह रहे कि बारिश वारिश हो रही थी. ओहो हो, 4 बजे उठ गए थे क्या? सब उठे थे हम तो. आवाज आ रही थी ना ऐसे. हमारा क्या, हमारा जो रूम था, उसकी छत जो है वो पत्थर की नहीं, वो टीन की है. तो उसपे जब बारिश गिर रही थी, टिन 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 टिन, तो टिप टिप बरसा पानी, और बारिश में हमने आग ऐसे ऐसे हल्की हल्की नींद खुल गई थी. फिर भी मजा आ रहा था, मतलब रजाई से निकलने का दिल नहीं कर रहा था. अब उड़ाने वाले ड्रोन सिंह साहब वाला नया ड्रोन लिया है सत्या ने. थोड़ा शो ऑफ करना प्लीज ड्रोन सत्या. ड्रोन का रिमोट है हमारे हाथ में. ये हमारा सिंह साहब DJI Mavic 2 Zoom. लेटेस्ट ड्रोन. यहाँ के नाम इतने डिफिकल्ट होते ना प्रोनाउंस करने के लिए, बट मैंने सीख लिया. जोगपा जी, हाँ जी, इनके पास हम लोग रुके हुए. अब बताओ तो, इन्होंने पूरा वॉलीबॉल टीम बना के रखा है. अब वॉलीबॉल टीम क्यों? कितने बच्चे हैं आपको? मेरे पास 6 बच्चे. 6 बच्चे और कितनी लड़कियाँ हैं? लड़की 5 है, एक लड़का. 5 लड़की, एक लड़का, फुल वॉलीबॉल टीम बना के रखे. अभी मैंने इनको बोला है कि हम लोग हानले में है, ठीक है, थोड़ा लोकल फीलिंग चाहिए मेरे को भी. तो इसलिए मैंने इनको बोला अगर ड्रेस है लद्दाखी ड्रेस है तो हम भी थोड़ा चेंज करके, थोड़ा अवतार में चेंज करके. वो मिल जाएगा मैम, मैं पूरा दिला देगा जो चाहिए. तो लद्दाखी ड्रेस के वगैरह, लद्दाखी ड्रेस अभी पहनेंगे. हाँ जी, हाँ जी, है ना. कोई अब कौन पहनने वाला है? मेरा ये बेटी है ना, बेटी इधर है. इनका बड़ा वाला बेटी कहाँ गया? हाँ जी मैम जी, अभी अंदर है ना, लाएगा. ठीक है, लेके मैडम को लद्दाखी ड्रेस आएंगे, फिर अपन लद्दाखी ड्रेस पहन के फिर मिलते हैं. हाँ जी, है ना. अच्छा लग रहा है मैं, ठीक है. अब रूम में आ गए, चेंज करने वाले लद्दाखी जो ड्रेस है वो पहनने वाले. ये नया लद्दाखी ड्रेस, पहली बार एक्सपीरियंस है मेरा. देखते कैसे लगता है, कैसे हेडफुट लगता है, मतलब हमेशा इससे वेस्टर्न लुक में रहता है. पद्मा हाय, मुझे कमेंट करके बताओ ये अच्छी लग रही है कि नहीं है. मुझे बोलिए कैमरा में मतलब अच्छी नहीं लग रही है. बहुत सुंदर लग रहे हो आप. अभी हमारी विशाखा को शादी नहीं, शादी वाली नहीं करने वाले. ये मेरे को सिर्फ ट्राई करना है ड्रेस, अभी तक पूरा पहना नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है. अभी ये जो है हमारे लद्दाखी का पेरा. ओके. अभी विशाखा को ये पहनेगा. ये एक सर पे पहना दिया हेलमेट जैसे. अभी ये थोड़ा हैवी है, इसको सर दर्द भी आ सकते है थोड़ा सा, है ना. ओ बाप, बहुत हैवी है. ये हमारे लद्दाखी का लड़की जो वो ससुराल में जाते ना. हाँ. ये पूरा पहन के उसके घर तक के पहन के जाते. बाप रे, इतना सारा. लद्दाख में मैं कभी शादी नहीं करूंगी फिर. ये सब कौन पहनने वाला है? I've been looking for a mirror for, and I think I found. और भी है क्या? अभी ये पीछे पहनने वाला है. बाप रे.
ये जो हमारे लड़की का ये शादी करते ना, ये पूरा उसका साथी लोग है ना, ऐसे ऐसे पहन के जाते हैं, ऐसे पहन के फिर इसको बेचते हैं। आपकी शादी में मेरे को मैं आऊंगी, ठीक है? हाँ। मेरे को पहना देना फिर। ऐसा लग रहा है आपको? बहुत भारी भारी है ना। मैं हो गई हूँ तैयार फुल लद्दाखी ड्रेस में। अब ये पता नहीं कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है बताओ अभी, कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं सलीम और सत्या का रिएक्शन क्या है ये देख के। लद्दाखी सेम देख रहे हैं, है ना? सेम लद्दाखी ना, सेम लद्दाखी देख रहे हैं। सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। मेरी ऐसी ना दिल्ली तमन्ना थी 10 साल पहले से, जब से मैंने 3 इडियट्स देखा था कि मैं कोई स्कूटर चलाऊं और शादी वाले ड्रेस में स्कूटर चलाऊं। अब शादी वाला ड्रेस तो मुझे यहाँ पर मिल गया, लद्दाख ने पद्मा ने मुझे दिया हुआ, स्कूटर भी मिल गया है। अब तमन्ना पूरी करते हैं। चला लिया है बट ऐसे ड्रेस पे हिमालयन पे ऑफ रोड का क्या ख्याल है? लेट्स डू इट। शायद ही ऐसा किसने किया होगा, मतलब लद्दाखी ड्रेस में बाइक चला। आफ्टर वेयरिंग द ऑसम लद्दाखी ड्रेस बारी है मेडिटेशन। मेडिटेशन आई मीन बाइक चलाने की। वीडियो टाइम चेक स्क्वाड इज 4 o'clock राइट नाउ एंड हम निकल पड़े, मतलब लद्दाखी ड्रेस पहनने के बाद लग गई थी भूख क्योंकि इतनी मेहनत किया था, इतना सर पे बोझ का लेके तो खाया एंड अब निकल गए। ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेटरी बंद होता है 6 बजे, अब बज रहे 4 और मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब मौसम है साथ में ही है। अब ऑब्जर्वेटरी में क्या है वो आपको आगे मिलेगा। मस्त गांव वाली फीलिंग है यहाँ पर, छोटे छोटे से घर है। यहाँ पर आके ऐसा लगता है करके नहीं, इंसानियत है अभी बाकी इंसान है, इतना प्यार मोहब्बत मिलता है ना यहाँ पर। बाय बार आके पूछेंगे चाय पीना है मैडम, खाना खाना है आपको, कुछ खाना है, तबीयत कैसी है, गर्म पानी चाहिए क्या, ये सब कुछ पूछते रहते हैं। थोड़ा डिसेंट है ना, थोड़े से काले बादल आगे दिख तो रहे, बस बारिश नहीं होनी चाहिए वरना पंगे हो जाने। I've been looking for a mirror and I think I found it in your eyes, she's been looking for a reason. काले बादल एक सफेद बादल, ओह सनलाइट भी यहाँ पर, मतलब जैसे ही टर्न लेते ना आपका लैंडस्केप भी पूरा बदल जाता है, जितने टर्न लोगे उतने अच्छे व्यूज, एक से बढ़कर एक सब। वहाँ ऊपर ऑब्जर्वेटरी, वहाँ जाना अपने को। चलिए आगे शूट करते हुए हम सबको। ओह हो पता है हर एक टर्न का अलग लैंडस्केप, फिर दे रहे हैं हम आपको। Everything's a blur. She's been looking for the good love, and I'm standing in front of her. So we're moving this colorful night. भाई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा पूरा foggy हो गया है। I think यहाँ पर बारिश हो रही है जोर से। ओह ठंड लग रही है, भयंकर वाली ठंड। फैशन के चक्कर में ना ठंड झेलना पड़ता है। गाड़ी ऊपर है यार, हमको लगा यही है करके। और आई थिंक हम ऑब्जर्वेटरी पहुँच गए हैं, यहाँ पर फॉर्स ऊपर काफ़ी है। बाइक होने का ये एडवांटेज है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है वहाँ तक, तो आप तक अगर ले के जा सकते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर चढ़ना आसान रहेगा बट बिल्कुल नहीं है, अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मतलब ले में अक्लमटाइज हो गए थे अब 15,000 feet में। बट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर है अपना, मुंबई में नेहरू प्लानिटेरियम है ना वैसा ही कुछ है यहाँ पर सीन। अब कितना सही है नहीं पता, अंदर जाके मालूम पड़ेगा। Thank you.
प्लानिटेरियम तो अंदर से देखने को नहीं मिला, बट हिमालयन चंद्रताल टेलीस्कोप, ये जो पीछे विशाल जो विशाल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, बात करने भी नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या काम करता है मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है। व्लॉगर्स लाइफ कांट हेल्प, हाथ फ्रीज हो चुके हैं, नाक नाक में सब माल जम चुका है, बट ठीक है आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, सो चलते फिर दिखाते हैं। और इसको और अभी करते हैं आगे की बातें। ये जो हिमालय चंद्रताल टेलीस्कोप है, दिस इज़ लाइक द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट वाला है ना वो चिली में है, एंड चिली कहाँ पर है मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे पता है कहाँ पर है बट देन अभी याद नहीं आया। यूट्यूब AMS मतलब कुछ भी समझ में आया सीधा एल्टीट्यूड सिग्नल्स के ऊपर डाल देने का प्रॉब्लम। सो अभी आप लोग को सवाल होगा कि ये जो टेलीस्कोप है वो करता क्या है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको अंदर बताया गया, कुछ शूट करने को नहीं दिया। तो यूनिवर्स में जो इमेज कलेक्ट होता है वो इमेज कलेक्ट करके ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी लेंस पे डालते हैं। प्राइमरी लेंस से जाता है ये सेकेंडरी लेंस पे, एंड सेकेंडरी लेंस क्या करता है, वो जाता है दूसरे आउटपुट वाले कैमरा पे। समझ में आया? नहीं आया तो एक काम करना, सत्य का ब्लॉग देखना। और भी समझ में आया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधा मिस्टर गूगल जिंदाबाद। बट यार मुझे स्टार्स देखना था, स्टार्स दिखाया नहीं, आई थॉट ये नेहरू प्लैनेटेरियम जैसे होने वाला है, बट कोई नहीं। एंड हाँ, ये लोग ने सिलेक्ट क्यों किया फॉर दिस टेलीस्कोप इज बिकॉज यहाँ पर डस्ट प्रूफ, यहाँ पर इतना डस्ट नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा रेन भी नहीं होता है, एंड पॉपुलेशन इज़ ओनली 3000 पीपल। इसी के वजह से विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हाँ, से अच्छा जगह नहीं हो सकता था ये हमारा जो हिमालय चंद्रताल टेलीस्कोप के लिए। ऑल्सो यहाँ पर होम स्टे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ 3 बेड्स इन ईच रूम, मतलब 40 रूम है यहाँ पर। अप्रॉक्स 120 टूरिस्ट एंड ट्रैवलर कैन अकोमोडेट ईजिली, मतलब 120 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठंड लग रही है इसको, और ये बारिश शुरू हो चुकी है, भीगना नहीं है बिकॉज भीगेंगे तो ठंड और ज़्यादा लगेगी। आप लोग वाइजर पर देख सकते हो कि बारिश के बूंदे टपक रही है, एक टर्न पर बारिश है, दूसरे टर्न पर बारिश नहीं है। बस इतना ही, रूम पे जाने का है, खाने का पीने का है, चिल करने का है, बॉन फायर करने का है, एंड देन वील स्लीप। सो एज ऑलवेज गाइज, दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ ब्रेकिंग बल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, एंड विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट व्लॉग, विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हैशटैग ट्रिपलिंग लद्दाख। टिल देन कीप कॉम एंड साथ में गियर अप। एंड जाते जाते ये वाले ब्लॉग को लाइक करके जाना क्योंकि अपने को 10,000 लाइक्स चाहिए ये वाले ब्लॉग पे। बस इतना।